नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चक द क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन क्रिकेट से जुड़े समाचार मिलेंगे, जहां से आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही आप क्रिकेट की खबरों से भी रूबरू होते रहेंगे। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने निकाली 4,050 पदों पर वैकेंसी। बिहार में रेलवे ने पकड़े 3 महीने में 12,21,000 बेटिकट यात्री। होली को लेकर ज्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल। आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके ईशान, वीडियो जारी कर जताई खुशी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर तेज हुई सियासत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने निकाली 4,050 पदों पर वैकेंसी। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बहाली शुरू की है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कुल 4,050 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन शुरू होने की तारीख 11 फरवरी 2022 है, यानी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 3 मार्च 2022 रखी गई है। आवेदन शुल्क भी 3 मार्च तक रखा गया है। सामान्य पुरुष के लिए 936 पद, सामान्य महिला के लिए 499 पद, एमबीसी के लिए 556 पद, एमबीसी महिला के लिए 238 पद, बीसी के लिए 276, बीसी महिला के लिए 143 पद, एससी के लिए 692 पद, एससी महिला के लिए 214 पद, एसटी के लिए 24 पद, एससी महिला के लिए 11 पद, डब्ल्यूबीसी के लिए 104 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 पद, तो ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 107 पद रखे गए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे गौरी अयूब की। गौरी अयूब अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए कोलकाता में स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और शिक्षक थी। दार्शनिक और साहित्यिक आलोचक अबू सईद अयूब से विवाहित गौरी अपने आप में एक लेखिका थी और अपनी लघु कथाओं, अनुवादों और सामाजिक मुद्दों पर कई लेखों के लिए जानी जाती थी। उन्हें बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रचार में उनकी भूमिका, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सक्रिय सहायता और 1974 में भारत में आपातकाल की घोषणा के दौरान मानवाधिकारों पर अंकुश लगाने के मुखर विरोध के लिए पहचाना जाता है। बिहार में अब बच्चों को गोद लेना होगा आसान। बिहार में अब बच्चों को गोद लेना आसान होने वाला है, यानी कि अब बिहार में माता पिता को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालय की प्रक्रिया और इंतजाम से छुटकारा मिल गया है, जिसके बाद ही अब किशोर न्याय अधिनियम 2021 में कोर्ट के बदले अब डीएम को बच्चे को गोद देने का अधिकार दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना काल में कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सका है। बता दें कि साल 2019 तक 250 से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था। कोरोना काल में बच्चों को गोद देने की 100 तक सिमट कर रह गई है। इससे विशेष दत्तक ग्रहण संस्थानों में अनाथ बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पीएमसीएच बन सकता है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में तब्दील करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर पुराने कैदी और कॉटेज वार्ड के भवन को तोड़कर अब उसकी जगह नए भवन बनाने के लिए पाइलिंग का काम शुरू हो चुका है। अब इस जगह पर 2250 बेड का नया हॉस्पिटल बनेगा। 9 मंजिला इस नए भवन में खासियत यह होगी कि अस्पताल की छत पर एयर एम्बुलेंस से गंभीर मरीज उतरेंगे, जिसके बाद ही इनको वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जाएगा। यहां 146 बेड का प्राइवेट वार्ड और 28 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होगा, जहां मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए अलग से 2 स्पेशल लग्जरी रूम हमेशा रिजर्व रखे जाएंगे। बिहार पुलिस की 15 कंपनियां उत्तर प्रदेश में करवा रही हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसमें बिहार के राजनीतिक दलों की भागीदारी तो देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ बिहार पुलिस की 15 कंपनियां भी उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाने की बागडोर उठाने वाली है। पहले चरण के चुनाव में बीएसएपी ने 3 जिलों में बूथ की सुरक्षा से लेकर उड़नदस्ते तक की जिम्मेदारी संभाली। उत्तर प्रदेश के सभी चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद इनकी बिहार वापसी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस की 15 कंपनियों को उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में गाजियाबाद, मेरठ और बागपत में प्रतिनियुक्ति किया गया था। बूथ की सुरक्षा के अलावा गश्ती, नाका ड्यूटी और उड़नदस्ता की जिम्मेदारियां भी अधिकारियों और जवानों ने संभाल रखी थी। बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली रिक्तियां। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ प्रबंधक आईटी के कुल मिलाकर 19 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, आईटी, ईएसई या फिर एमसीए, एमएससी, आईटी, कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी या समकक्ष और संबंधित क्षेत्र में 6 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 2 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही
आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। बिहार में पछुआ हवा के कारण गिरेगा तापमान। बिहार में ठंड का सितम अभी जारी रहने वाला है। यही कारण है कि फरवरी महीना आने के बावजूद ठंड की मार का सामना आम लोगों को करना ही पड़ रहा है। हालांकि बिहार वासियों को अभी इतनी जल्दी ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञानियों की माने तो बारिश होने के कारण और पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड का प्रभाव अभी बने रहने के आसार है। इसके बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में सतह से ऊपर 1.5 किलोमीटर पछुआ हवा का प्रवाह बने होने से 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ ही आकाश साफ रहेगा। वहीं रात के तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। बिहार डीएलएड संस्थानों की कॉपी जांचने से शिक्षकों ने किया इनकार। इन दिनों बिहार डीएलएड संस्थानों की कॉपी जांच का काम किया जा रहा था। हालांकि बीते दिन से ही शिक्षकों ने कॉपी जांचने के काम से इनकार करना शुरू कर दिया है। नाराज शिक्षकों की माने तो उन्हें कम राशि दी जा रही है। जानकारी है कि अभी 50 से अधिक कॉपी जांचने वाले शिक्षक को होल्टेज के नाम पर 400 रुपए, भोजन के नाम पर 40 रुपए और लोकल ट्रैवलिंग के नाम पर 40 रुपए दिए जाते हैं। एक कॉपी जांचने के लिए शिक्षकों को 12 रुपए मिलते हैं। इन शिक्षकों की मांग है कि ये राशि महंगाई को देखते हुए बढ़ाई जाए। कॉपी जांचने वाले शिक्षकों में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। मद्य निषेध विभाग ने अवैध वसूली मामले में की बड़ी कार्रवाई। बिहार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिन अहम कदम उठाया है, जिसके तहत 5 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिसके बाद हटाए गए कर्मियों में 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मी शामिल है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन सभी पर अवैध शराब परिवहन मामले में जब्त वाहन से झारखंड जाकर होटल में शराब पीने और अवैध वसूली का आरोप है। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि रोकने का भी आदेश दिया गया है। बिहार में रेलवे ने पकड़े 3 महीने में 12,21,000 बेटिकट यात्री। रेलवे बार बार सभी यात्रियों से यही अपील करता रहा है कि अगर वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो टिकट जरूर ले। लेकिन बिहार में कुछ लोग तो नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग अभी भी बेटिकट ही घूम रहे हैं, जिस पर ही पूर्व मध्य रेल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर रेलवे ने एक खास अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अभियान के तहत बेटिकट यात्रियों को दबोचा जा रहा है। वहीं ऐसे यात्रियों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। रेलवे ने गत 3 महीने में नवंबर से जनवरी तक बिना टिकट यात्रा करने वाले 12,21,000 यात्रियों को पकड़ा। उनसे जुर्माने के रूप में 30,22,00,000 रुपए सहित कुल 69.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले 5 सालों में सर्वाधिक है। बिहार म्यूजियम की इतिहास गैलरी में इंस्टॉलेशन शुरू। कहने को बिहार म्यूजियम को शुरू हुए सालों हो गए हैं, लेकिन अब तक बिहार म्यूजियम में इतिहास दीर्घा शुरू ही नहीं हुई है। ये मूल रूप से इतिहास का म्यूजियम है, लेकिन इतिहास दीर्घा शुरू ना होने के पीछे 2.5 साल का कोरोना काल प्रमुख वजह रहा। लंबे समय के बाद एक बार फिर से प्रदेश में संग्रहालय खुल गए हैं। ऐसे में इनके इतिहास गैलरी में ऐतिहासिक वस्तुओं के इंस्टॉलेशन का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है और म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह का दावा है कि आने वाले 3 महीने में म्यूजियम में इतिहास दीर्घा दर्शकों के लिए खोल दी जाएगी। हालांकि इतिहास गैलरी तैयार है, लेकिन इसमें प्रदेशों के इंस्टॉलेशन का काम अभी बाकी है। परिषद चुनाव में वोटिंग का अधिकार पंच सरपंच को देने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव का आयोजन होने वाला है। हालांकि चुनाव को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी तो साझा नहीं की गई। आमतौर पर इस चुनाव में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद, वार्ड काउंसिल सदस्य वोटर होते हैं। वहीं पंचायती राज व्यवस्था में केवल पंच और सरपंच विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार चुनाव में वोटर नहीं होते। ऐसे में हर बार यही देखा गया है कि पंच सरपंचों की मांग होती है कि उन्हें भी ये अधिकार मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही अब बिहार सरकार ने इस संबंध में नई पहल की है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस संबंध में हम लोगों ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केवल बिहार में ही पंच सरपंच को विधान परिषद चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं है। वैसे इन लोगों का काम विकास का नहीं बल्कि न्यायिक कार्य का है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर खर्च होने वाली राशि 5 साल में हुई दोगुनी। बिहार में आंगनबाड़ी सेवा योजनाओं में खर्च होने वाली राशि दोगुनी हो गई है, क्योंकि लाभुकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 5 सालों की बात करें तो लाभुकों की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई। इसी के साथ ही बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि 5 साल पहले राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती थी, लेकिन अब केंद्र से जो राशि मिलती है उसमें अधिक खर्च कर देती है। वर्ष 2016-17 में जहां केंद्र ने बिहार के लिए 980.99 करोड़ रुपए जारी किए थे, वहीं इस साल ये राशि बढ़ाकर 1,546 करोड़ से भी अधिक हो गई है। होली को लेकर ज्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल। होली में अभी 1 महीने का समय भले ही हो, लेकिन रेल यात्री होली में घर पहुंचने के लिए
पहले ही टिकट कटवाने में लग गए हैं। आलम कुछ यूं है कि यात्री इस जद्दोजहद में है कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। यही कारण है कि पटना में लंबी दूरी की ट्रेनों की सीटें फुल हो रही हैं और कई ट्रेनों की सीट फुल भी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेल यात्री हैं जो पहले से प्लानिंग बनाए रहते हैं। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि होली को लेकर रेलवे प्रशासन यात्रियों के हित के लिए कदम उठाएगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी और होली स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए प्लानिंग रेलवे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन की टीम ट्रेनों में बर्थ की मॉनिटरिंग कर रही है। किस ट्रेन में कितनी वेटिंग चल रही है, इस बात की जानकारी भी लगातार साझा की जा रही है। आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके ईशान वीडियो जारी कर जताई खुशी। बिहार के लाल ईशान किशन ने आईपीएल 15 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में अपना चयन करवाया है। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ में खरीदा है। इस ऑक्शन के दौरान एक दुखद खबर भी सामने आई, जिसमें नीलामी की एंकरिंग कर रहे ह्यूज एडमिट्स अचानक से बेहोश हो गए थे। लंच के बाद शुरू हुए ऑक्शन में दोबारा नीलामी शुरू हुई, जिसमें ही ईशान सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके। नीलामी में खबर लिखे जाने तक दीपक चाहर 14 करोड़ में बिके, वहीं श्रेयस अय्यर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उसके बाद हर्षल पटेल 10 करोड़ 75 लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में वापस गए हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख रुपए में, रविचंद्रन अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ रुपए में और पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। ट्रेनों से शराब ले जाने वालों की खैर नहीं, होली का त्यौहार आने वाला है। वहीं होली के त्यौहार से पहले ही पुलिस शराब तस्करों को लेकर सतर्क हो गई है। यही कारण है कि अभी से ही ट्रेनों में शराब तस्करों को ढूंढने का काम तेज हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार शराब धंधेबाजों की गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रेलवे एसपी प्रमोद मंडल की तरफ से जीआरपी को कड़े निर्देश दिए गए हैं। ट्रेनों की गहन चेकिंग और सक्रिय शराब धंधेबाजों की धरपकड़ के लिए रेल एसपी की तरफ से 3 डीएसपी को जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही 6 जीआरपी जवानों को भी लगाया गया है। रेल एसपी की माने तो शराबबंदी को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती को देखते हुए धंधेबाज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सड़क मार्ग से बचने के लिए धंधेबाज दिल्ली, हरियाणा और यूपी से आने वाली ट्रेनों का सहारा लेने लगे हैं। तस्करों के पूरे नेटवर्क को जीआरपी खंगाल रही है। भोजपुरी एक्टर यश कुमार और एक्ट्रेस निधि झा ने की सगाई। भोजपुरी एक्टर यश कुमार और एक्ट्रेस निधि झा की सगाई हो गई है। दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी का वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निधि और यश परिवार वालों के बीच एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 21 सितंबर को यश ने इंटरनेट मीडिया पर निधि झा के लिए अपने प्यार का खुलकर इजहार किया था। इस दौरान उन्होंने 2 तस्वीरें भी साझा की थी। निधि झा ने इंस्टाग्राम पर अपना एंगेजमेंट सेरेमनी वाला वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि अब यह ऑफिशियल हो चुका है, हम एक हो गए हैं। शिक्षा मंत्री की करतूत पर फूटा शिक्षकों का गुस्सा। बिहार के शिक्षा मंत्री की करतूत को लेकर बिहार के सभी शिक्षकों का गुस्सा फूट गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शिक्षा मंत्री के बगल में डीईओ, डीपीओ और बीईओ को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई। उसके बाद सभी अधिकारी जनता के बीच में जमीन पर ही बैठ गए, लेकिन इसकी सूध न तो मंत्री जी ने ली और न ही व्यवस्थापक की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। इसके बाद ही अब जमीन पर बैठे अधिकारियों और कुर्सी पर बैठे मंत्री और स्थानीय मुखिया की तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगी तो बिहार में ये चर्चा बनने लगा। असल में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बीते दिन एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं पर शिक्षक संगठनों ने शिक्षा मंत्री के इस व्यवहार का कड़ा विरोध किया है। राजद की सदस्यता अभियान शुरू। बिहार की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बीते दिन से राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ही बीते दिन किया। इस दौरान उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता रमे राम को सदस्यता तो दिलवाई, तो वहीं साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि आज से पूरे देश और बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये अभियान अब अगले 1 महीने तक जारी रहने वाली है। इस दौरान ही लोगों को राजद से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार के खिलाफ जिन भी लोगों में गुस्सा है उन्हें राजद से जोड़ा जाएगा, क्योंकि मौजूदा समय में बिहार सरकार हर क्षेत्र में विफल है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर तेज हुई सियासत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बीते कुछ दिनों से लगातार की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब एनडीए में ही सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने अब कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जदयू की तरफ से इसकी मांग लगातार की जा रही है। इस मुद्दे पर हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बिहार का तेजी से विकास होगा। मार्च में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। उस समय जदयू के सभी 16 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। बिहार को उसका हक मिले इसके लिए जदयू अपने अभियान को और तेज करेगा। सीएम बनने की बात पर बोले ललन सिंह, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं सीएम बनूंगा।
बिहार की राजनीति से जुड़ा हर नेता ये ख्वाब जरूर देखता होगा कि वो एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की राय बिल्कुल ही उलट है। बीते दिन ही जब ललन सिंह से इस बारे में पूछा गया कि क्या वो अगले मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये सब बात उन्हीं लोगों के दिमाग में आ सकती है जिन लोगों का मानसिक संतुलन खराब होगा। ललन सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि ये सब मुद्दा तब उठा था जब कुछ दिनों पहले ही ललन सिंह सरस्वती पूजा के दौरान पटना सिटी के सैदपुर स्थित एक छात्रावास में गए थे, जहां उत्साही छात्रों ने ललन सिंह को अगले मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारेबाजी कर दी थी। आज रांची जाएंगे लालू, मीसा और तेज प्रताप भी हो सकते हैं साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाल ही में राजद की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार आए थे। अब बैठक तो हो गई, जिसके बाद ही अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज रांची के लिए निकलने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव आज दोपहर 12 बजे के आसपास रांची के लिए निकलेंगे। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि उनके साथ बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी मीसा भारती और पार्टी के और भी कई नेता साथ होंगे। दरअसल 15 फरवरी को चारा घोटाला मामले में रांची कोर्ट में लालू यादव की कोर्ट में पेशी है, इसीलिए लालू यादव रांची जा रहे हैं। यह भी खबर मिली है कि रांची में पार्टी की एक बैठक भी होगी। उम्मीद है कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट 15 फरवरी को फैसला भी सुनाएगी। मालूम हो कि झारखंड में लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के कुल 5 मामले दर्ज हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डाक का शुभारंभ किया। सन 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। अंतरिक्ष में शुद्रग्रह इरोस पर 2001 में पहला मानव रहित यान उतरा। भारतीय टीम ने 2004 में कोलामपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत के सबसे चर्चित राज्य महाराष्ट्र के पुणे में 13 फरवरी 2010 के दिन यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास बेकरी में एक हादसा हुआ था, जिसमें करीब 17 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 60 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए थे। 1879 में भारतीय कोकिला कहे जाने वाली और स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। 1978 में भारतीय अभिनेता अश्मित पटेल का जन्म हुआ था। 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन हुआ था। आज ही के दिन को सरोजनी नायडू जयंती के रूप में मनाया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप यूजर के लिए खुशखबरी। आरोग्य सेतु ऐप के 21.4 करोड़ से अधिक यूजर ऐप का उपयोग करके अपना 14 अंक का यूनिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM ने वर्तमान में 16.4 करोड़ आभा नंबर जनरेट किए हैं। आरोग्य सेतु इसे और बढ़ाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लेकर अपने प्रमुख आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आरोग्य सेतु ऐप के साथ जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें यूजर ऐप से 14 अंकों का यूनिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी कि ABHA नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,050 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शाहजहां खातून, शंकर मुखिया, विमल सिंह, कुंदन साजवान, लालू कुमार, फैजान खान, प्रिंस कुमार, नीतीश कुमार, ब्रजकिशोर शाह, पूजा कुमारी, खुशबू क्रिएशन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिकने पर आपकी क्या राय है। अपने आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।